bounce when she walk, then bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब, ठीक ठाक है। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो का मेन मौजू है ना, वो ये है कि तकरीबन मुझे 80% मैसेज और 80% कमेंट भी इसी चीज़ के हैं कि हमारे बकरे इन दिनों में खा पी कुछ नहीं रहे। ठीक है, अब हमें ये तो नज़र आ रहा है कि बकरे इन दिनों में खा पी कुछ नहीं, पर हमें ये नज़र नहीं आ रहा हमने बकरों को पिछले दिनों में खिलाया गया है। देखो, जो पिछले महीने गए हैं उसमें हमने बकरों के साथ क्या उनके साथ बर्ताव किया है, उनके साथ क्या ऐसा अमल किया कि बकरे इन दिनों में आगे ब्रेकें लगा गई ऑटोमेटिक ही। सबसे बड़ी मेन वजह उसकी ये है कि ज़रा सोचने वाली समझने वाली बात है कि गर्मियों में भी हम बकरों को सर्दियों वाली खुराकें दे रहे हैं। ठीक है ना, अब जिन बंदों ने सर्दियों वाली खुराक गर्मियों में ही बकरों को देनी है तो ज़ाहिर है उन्होंने तो ब्रेकें लगानी है। बकरा ऑटोमेटिक ही गर्मियों में आगे गर्म है और गर्म में गर्म खुराकें खा के मजीद गर्म हो रहे हैं, तो बकरों तो ब्रेकें मार ही मारनी है। ठीक है ना, तो कोशिश ये करें कि इन दिनों में, मैंने पहले भी कहा कि गर्मियों में गंदम वगैरह बे के बंडा शंडा बे के दाबड़ा दें। दाबड़ा दे बताने का मकसद सिर्फ यही है, एक तो बकरा मोटा ताज़ा हो और दूसरे नंबर पर बकरे को कोई चीज़ ड्राई उसके अंदर ना जाए। ठीक है ना, गीली गीली हो। कनक को अगर आप गंदम इंडिया वाले नहीं समझते, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ भी कहते हैं कनक को, ठीक है, गंदम अगर आप भिगो के रखेंगे उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना, गंदम भिगोएं जो जिन बंदों के बकरे दाबड़े की ब्रेक लगा गए ना इन दिनों में, ठीक है, वो क्या करें, वो गंदम और चने की दाल को भिगो के डालें। अब भिगोने का तरीका यह है कि रात को उसे किसी कपड़े में गंदम और चने की दाल को बांध के एक घंटे के लिए उसे किसी बाल्टी या किसी पानी के अंदर ना डिप कर दें, इतना पानी डालना है कि वो गंदम उसमें सारी भिगो जाए वो दाना। फिर उसको आधा घंटा घंटा उसमें भिगोया रहने दें, उसको उठा के किसी जगह पर लटका दें ताकि सुबह तक उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, सुबह वो बकरों को डालें, इंशाल्लाह बकरे लाजमी खाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर बात होगी ये दाने की। दूसरे नंबर पर बकरे को दाने के फौरन बाद तेल पिलाएं। अगर तेल जो बंदे जिन्होंने पिला चुके हुए हैं तेल, यानी कि जिन्होंने 4-5 महीने बकरों को तेल पिला लिए, अब ये देख रही है वो तेल की ब्रेक लगा दें, तेल बंद कर दें बकरों का। ठीक है, क्योंकि जितना बकरों ने तेल पीना तो उन्होंने पी लिया, अब उसकी ब्रेक लगा दें, तेल भी बकरों का बंद करें, गंदम चने की दाल इसका दाना दें सो बकरे को गीला हुआ हुआ जैसे मैंने बताया उसी तरीके से। ठीक है, उसके फौरन बाद बकरों को मिक्सचर दें। मिक्सर आप कौन सा है, ये इधर से एनिमल मेडिकल स्टोर से मिक्सर मिलता है, कार्बोनेटिव मिक्सर मिलता है, वो दें। अगर वो आप नहीं दे सकते, पानी के अंदर मीठा सोडा डाल के वो दें, वो भी नहीं दे सकते, हरा मसाला बना हुआ वो दें, ताकि बकरों का जो हाजमे का निज़ाम है वो तेज़ हो, बकरे जल्दी से खुराक हजम करें। ठीक है, दाना खिलाने के फौरन बाद बकरे को पानी नहीं पिलाना, उसके मिनिमम 2 घंटे बाद बकरे को पानी दें। अगर 2 घंटे बाद आपका बकरा को लस्सी पिला रहे हैं तो लस्सी भी बकरे को 2 घंटे बाद दे दें, पानी ना दें फिर लस्सी दे लें, कोई मसला किसी किस्म का इशू हुआ नहीं है। ठीक है, लस्सी दोपहर में लें, ठीक है, लस्सी देने के 2 घंटे बाद बकरों को पट्ठे स्टार्ट करवाएं, पट्ठे घास, ये हम तो पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, घास ही बंदे कहते हैं, कई बंदे पता नहीं अब इंडिया में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा सवाल इंडिया से ही बड़े आते हैं। ठीक है, ये बकरे को दें, जंतर आ गई है, तकरीबन सभी इलाकों में जंतर स्टार्ट हो गई है, बकरों को ये जो रजका या और हम रजका कहते हैं, कई इलाकों में इसे परसीन भी कहते हैं, स्टाला भी कहते हैं, वो बंद कर दें, जंतर पे बकरे ले हैं। ठीक है, जंतर दें बकरों को, जंतर देने के बाद रात को जाके बकरे को दूध मस्ट पिलाएं। ठीक है, दूध अब जो बंदे बकरे को किलो पिला रहे थे वो आधा किलो पिलाएं, जो आधा किलो पिला रहे हैं वो पाव पिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि लस्सी हमने उसको दोपहर को पिला दी है, रात को दूध कम करते हैं उसका। ठीक है, इस सिस्टम से बकरे रखें, बकरों को हरा मसाला या कार्बोनेटिव मिक्सचर या फिर मीठा सोडा ये मस्ट दें, रोजाना की बुनियाद पे दें, डेली दें बकरे को, ताकि बकरे का निज़ाम ठीक हो, बकरों को गर्मी से बचाएं। आप यकीन करें, अल्लाह सब के बकरों को अल्लाह ज़िंदगी दे। ये मेरे दोस्त भी हैं ऐसे, कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इन्हीं दिनों के अंदर बकरे ज़बह हुए हैं, ये बड़े ध्यान से बकरा इन दिनों जो ये वाला महीना है या उन जी बकरे ने बड़ा पा रहा है ना, क्योंकि मस्कीना आपको पता है कुर्बानी का महीना बकरों में बड़ा वजनी हो जाता है, तो आप बकरों को ख्याल रखें, बकरों को ध्यान से
ठीक है, बड़े तरतीब है, बड़े तरीके के साथ बकरे लेके जाए, ठीक है। उन अब क्या किया, कई बंदों ने अब सिस्टम ये कर दिया कि बकरे ने ईद आ गई तुन पर पहुंचा, तुन पर पहुंचे थे कट छड़े, पर असी उन्हें ना करने लगे कि तो सिस्टम का निजाम चलाना किस तरह। अब बंदे मुझे ये कहेंगे आपने कहा था हाथ पे लगाए, मैंने कहा है हाथ पे बकरे लगाए, पर बकरे का निजाम भी ठीक करे ना अंदर वाला। अब बकरे को आपने फुल तो कर दिया है, पर बकरे का हजमे का निजाम भी बेहतर से बेहतर और दुरुस्त से दुरुस्त करें। ये मिक्सर से ही होगा, हरे मसाले से होगा, मीठे सोडे से होगा, ये तीन चीज़ें हैं, चौथी चीज़ कोई नहीं है, कोई ऐसा कोई बाकी फार्मूले कोई नहीं है जिनों के पास कोई दूसरे फार्मूले पड़े हुए हैं उस चुके बाहर सटो। ये सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल से फार्मूले ये लगाएं बस, कोई किसी से परचेज परचूज करने की जरूरत कोई नहीं है। कार्बोनेटेड मिक्सर लेना है मेडिकल स्टोर से लें, मीठा सोडा लेना है किराने स्टोर से ले गए आगे, मीठा सोडा ले गया ना किराने स्टोर से ले गए, मीठा सोडा खुद बना के बनाएं बकरों को, ठीक है। दूसरे नंबर पे हरा मसाला वो मैंने आगे बताया हुआ है, उसी तरीके से हरा मसाला बकरों को दे, इंशाल्लाह बकरे आपकी रूटीन सीधी कर जाएंगे डेली दे। आप खुद मुझे कहेंगे वाकई बकरे का खाने पीने का निज़ाम बहुत दुरुस्त हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, अब जो मैंने आपको बताया है बकरे का यानी कि निज़ाम दुरुस्त करना, बकरे खा पी नहीं रहे उन सब के लिए ये रूटीन हम रखें, ठीक है ना। एक बकरा आया टैडा, अगर किसी भाई ने वो लेना है तो ले ले, टैडा है अगले साल वाला, अगले साल अगर आप लेके जाएं तो बड़ी बलाश है बनेगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा अभी भी बड़ा वो ज़बरदस्त है और बड़ा बेहतरीन है, ताने वो टैडा लाए कौन लाए, अब बड़ा ज़बरदस्त है और वो टैडा तकरीबन ये 10 या 12 दिन या आजकल के अंदर अंदर धोंदा हो जाएगा, क्योंकि उसकी एज का मुझे सारा पता है जिसने रखा हुआ था, और उसने बड़े उसे अच्छे तरीके से पाला, तेल शेल पिया हुआ उसने, और बड़ा बेहतरीन है। नहीं कि मैं हम तरीफा करने लगे हैं कि मेरे को जी चीज़ चंगी है चंगी है, ठीक है ना। अगर अब ये बकरा ना इसका सीना, अब तेल पी हुए बकरे का मेन चीज़ ये सीना, ये देखना ये सीना, ठीक है। अब बकरे की अच्छा, इस बकरे को दूसरे नंबर पर मैंने कोई बड़ा शरा को नहीं हुआ, ये बिल्कुल हालम हाली है, ये उसकी पुट शूट है बकरे की, ठीक है ना, बेहतरीन पुट बनी हुई है, बेहतरीन पेट शेट है बकरे का, ये उसकी राने शाने ये सारा कुछ बना हुआ है बेहतरीन। सामने से बैठ के दिखाया ना ओंजना भाइयों के थले लम्बे पै के ताकि लोग ही समझ में घोड़ा फटे, ठीक है। ये टैडा ये वाला बेहतरीन है, मेरे अंदाजे से टैडे के अंदर 25 से 28 सर गोश्त मस्त है, ठीक है ना। अगर किसी भाई ने ये लेना हुआ तो इंशाल्लाह ले ले, अगर अगले साल पे लेके जाए, टांग बड़ी ज़बरदस्त है इसकी, दूसरे नंबर सिद्धम सिद्धि नली है, पिछली टांगे भी देख ले, ठीक है। और चलो कर लो तो बस बढ़ा दे, ठीक है। और ये बकरा आंडल है, ठीक है, खसी नहीं हुआ हुआ, तो अगर किसी बहन लेना हुआ तो बताए इंशाल्लाह लाजमी शौक करे इसका। अगले साल लेके जाए तो मैं कह रहा हूँ बब्बर शेर बन जाएगा, इस साल भी बड़ा फिट है जी माशाल्लाह। अभी ये खीरा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन के अंदर धुंधा हो जाएगा ये वाला बकरा, क्योंकि जिसने लिया है जिसके पास था उसे बची पाला हुआ है, उसके घर के टैडे का बच्चा ये वाला, ये 14 महीने का ये तकरीबन हो गया होगा, ठीक है ना। और बड़ी ओल्ड क्लास चीज़ है, अगर किसी भाई लेना हुआ तो लाजमी ये ले, ये भी लेके रख सकता है कोई मसले। पहले जो बकरे थे वो दिखाए हैं 2-4 वीडियो में, कोई बकरे ऐसे वीडियो में नहीं भी दिखा सका, वो वैसे सेल हो गए हैं, वो बाकी सारे बकरे सेल हो गए, ठीक है। तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी, चीज़ वीडियो में बकरा मैं वो बताता हूँ कि जो बकरा आपको पालने में भी आसानी हो और बकरा आगे ही पहले ही बनाओ, ठीक है ना, ताकि आपको उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बकरा दाना तेल पट्ठे वगैरह खा के बकरा अगले साल इंशाल्लाह बन जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। और जिस जिस बंदों ने के बकरे ठीक हो गए और हमारी खुराक से, ठीक है, वो भी हमें तस्वीरें भेजे मेरे नंबर पे, लाजमी भेजे तस्वीरें अपने बकरे का चीज़ बना के, तो वो इंशाल्लाह वो मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल पेज उसी पे उस पर भी उनकी तस्वीरें लगवाता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं अपने फेसबुक में बनाया वो गोल्ड एक्सपर्ट चैनल के, वो सारे भाई वो फॉलो करें वो वाला, तो इंशाल्लाह हम अपना एक पेज बनाएंगे, ठीक है, उसी पेज के ऊपर सभी बंदों का शौक उसी पे ऊपर लगा करेगा, ठीक है। जिस जिसके शौक की तस्वीर यानी कि अपना बकरा छापाला हुआ है सभी बंदों की उसी पेज के ऊपर तस्वीरें लगेगी, ठीक है ना। तो ताकि वो हमारे का अपनी पेज बने, हम जितने ये जिस तरह वो कहते हैं ना वो बशर अपने ये यूट्यूबर की हमारी फैमिली, ठीक है ना, ये हमारी बकरों का मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने जितने भी हम
इकट्ठे, यानी कि कोई मेरे से पूछ के बकरे पाल रहे हैं या अपनी खुराक पे पाल रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं, ये सारे अपने अपने बकरों की तस्वीरें सेंड किया करें, उसी पेज पे तस्वीरें सारे को लगाएंगे, ताकि सारे बंदों को मोटिवेशन मिले, लोगों को पता लगे कि यार बकरे इस तरह पलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी थ्योरी है, कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं, बकरा पालना बड़ा ईजी काम है। हमने दिमाग में जिस चीज़ को अभी करोगे, बीपी भी यही करोगे और बकरा बनना भी कोई नहीं है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात थी, और चैनल को सब्सक्राइब करने का बड़ा शुक्रिया। वीडियो थोड़े थोड़े दिनों बाद लेट आ रही है, इसके लिए माजरत हुआ है हम बड़े, और वो उसकी वजह ये इन दिनों मसरूफियात बड़ी हैं, तो वो कई बंदे बड़ी फोन, यानी कि बस मसरूफियात है कुछ ऐसी। ठीक है, तो उस मसरूफियात की वजह से ना तो इसलिए वीडियो लेट आ रही है। ठीक है ना, तो 10K अब मेरे ख्याल से करीब ही है। अब जब 10K आएगा ना, तो इंशाल्लाह 10K के अंदर ना मैं और मजीद राज बड़े बड़े खोलेंगे। ठीक है ना, अब ईद के बकरे जो लेते हैं उन्होंने तो ले ली हैं, अब जो नेक्स्ट ईद के बाद के जो बकरे आएंगे ना, तो इंशाल्लाह कोई मेरे पास आए तो वो मैं भी लेके दूंगा बंदों को, यानी कि अच्छे मुझे मिलना बकरे लंडे के, तो लंडे के बकरे लोगों को भी लेके दूंगा, जिनको बाहर से मिलते हैं बाहर से खरीदे। एक देखें, अब हमारे पास ईद के बाद होना पूरा साल। ठीक है ना, पूरे साल की तरतीब से बकरा पलेगा ना, तो फिर पता लगेगा लोगों को बकरा इंज पाली है, तो भाई बकरे उनके गट इंज पैंदे ने। ठीक है ना, जब पूरे साल बकरा खुराक पे लगेगा, थोड़ी सी खुराक वो बकरे लगाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक साल अगले नेक्स्ट ईयर वो बकरे, वो ही लोगों ने कहना कि यार तू तो यह छिंबड़ जी लई सी तेनू करके छड़िया जाए, इंशाल्लाह ऐसा होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब भी हमारे पास टाइम थोड़ा था, टाइम थोड़े में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग बकरे बने हैं, ये भी अल्लाह का बड़ा आस करम है। ठीक है ना, हमने कोई बंडे शंडे तो ना डालने हैं और ना डालने हैं और ना ही आगे किसी को डालने देने हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के बदल से। ठीक है ना, बस ये छोटी सी वीडियो थी, और चैनल को सब्सक्राइब करने का बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।